हेलो सैजिटेरियस, वेलकम टू योर मंथली टैरो और ये रीडिंग है आपकी मई के फोर्थ वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द फोर्थ वीक ऑफ मई। मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस। द मून Two of Spheres, Three of Stars. So, यहां पर हमारे पास कार्ड है द मून का। आप इस वीक में बहुत सारे ड्रीम्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं और ये ड्रीम्स शायद आपको कुछ बताना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पेज का कार्ड आप देख रहे हैं। पेज के कार्ड के साथ शायद कोई आपका वेल विशर बन रहा है, कोई बहुत स्वीट वर्ड्स आपसे कह रहा है और आपको ऐसा लग सकता है कि ये पर्सन दिल का बहुत अच्छा है या फिर आपका एक वेल विशर है। हर चीज आपके लिए अच्छी ही विश करता है एंड सेल्फलेस है, निस्वार्थ है और एक तरीके से ये बिना किसी एक्सपेक्टेशन के आपको सपोर्ट कर रहा है या आपको मैं क्या बोलूं, आपको एक तरीके से फ्लैटर कर रहा है, बटरिंग कर रहा है। बट देन आपको ये समझना होगा कि ये पर्सन इमैच्योर है। बहुत सारे केसेस में ये पर्सन आपसे यंगर भी हो सकता है या फिर इनका बिहेवियर ऐसा हो सकता है जिससे आपको लगे कि ये पर्सन बहुत इमैच्योर है। और आई थिंक इनके इरादे वैसे नहीं हैं जैसे आपको लग रहे हैं। ये पर्सन किसी एडवांटेज के लिए यहाँ है सैजिटेरियस। शायद इनको आपसे कोई बेनिफिट है और ये उस बेनिफिट के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। शायद इसीलिए बटरिंग कर रहे हैं कि आप आसानी से उनके बातों में आ जाए। इट्स लाइक कि वो पहले कुछ बोलना शुरू करेंगे एंड एक तरीके का माहौल बनाएंगे एंड देन फिर अपने मकसद पर आएंगे। ओके, जब देखेंगे कि आप इम्प्रेस हो गए या आपको किसी चीज का डाउट नहीं रहा, वो फिर अपने पॉइंट पर आएंगे कि उन्हें आपसे क्या चाहिए और आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। ये पर्सन टॉक्सिक हो सकता है आपके लिए एंड द मून के साथ शायद आप इससे रिलेटेड कुछ ड्रीम भी देखें, कोई बिट्रेयल का ड्रीम या कोई ऐसा सपना जो आपको आगाह कर रहा है इस पर्सन से कि इस पर्सन को सोच समझ कर अपने लाइफ में आने दीजिए। ओके, सो अपने ड्रीम्स पर आप जा सकते हैं। आपके ड्रीम्स आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है। यहां पर टू ऑफ वॉन्ट्स है या टू ऑफ स्फीयर है। सो दूर की सोचिए इस वक्त सैजिटेरियस, क्योंकि अगर आप इंस्टेंटली किसी की भी बातों में आ जाएंगे तो वो चीजें आपको बुरी तरह से इम्पैक्ट कर सकती हैं। ये पर्सन कुछ ना कुछ आपसे लेने की लेने का वेट कर रहा है। यहां आप देख रहे हैं थ्री ऑफ स्टार्स। ये पर्सन समझता है कि आप पूरी तरह से वीक हो गए हैं। मे बी आपका ब्रेकअप हुआ है या मे बी आप किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। ओके, अपने फैमिली में या किसी तरीके की प्रॉब्लम है आपको जो आप इनसे शेयर कर रहे हैं। अवेयर रहिए कि आप किसको क्या बता रहे हैं। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी वीकनेस को नोट कर रहा है, नोटिस कर रहा है एंड उन्हें लगता है कि आप अकेले हैं और वो आपकी कमजोरी बन सकते हैं, वो आपका सहारा बन सकते हैं एंड शुगर कोटेड बातें कर ये अपने पॉइंट पर आएंगे एंड डेफिनेटली ये आपसे कुछ ना कुछ लेना चाहते हैं, इनको कुछ ना कुछ बेनिफिट चाहिए। और टू ऑफ स्फीयर के साथ आपको अपने हेल्थ का भी ख्याल रखना चाहिए सैजिटेरियस, क्योंकि अगर आप लापरवाही करेंगे तो ये किसी तरीके से आपके हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है। और जो भी कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए, थोड़ा ठहर जाइए, अस्थिर हो जाइए।
किसी भी चीज को इमिडिएटली एक्सेप्ट मत कीजिए, उन चीजों की डिटेल में जाइए. ओके हालांकि एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी. एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं. इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह. चलिए आगे बढ़ते हैं. Ace of Swords, Ten of Stars, Three of Moon, and the Devil. कोई पार्टी करने की सोच रहा है सजिटेरियस, क्योंकि कार्ड पर पार्टी दिख रही है, गैदरिंग दिख रही है. आप लोगों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ थ्री ऑफ मून के साथ सेलिब्रेशन है, भले ही छोटा सा हो, अपने फ्रेंड्स के साथ ही सही. एंड आई थिंक यहाँ पर बहुत कुछ है जो आपके लाइफ में हो रहा है एंड शायद आप किसी फ्रेंड के कांटेक्ट से इस पर्सन के कांटेक्ट में आए हों द पेज के. हो सकता है कि आप ऐसे ज्यादातर के लिए एक नया रिलेशनशिप है. एंड आई थिंक सैजिटेरियस, इस पर्सन के जो भी सीक्रेट्स हैं वो जल्दी ही आपके सामने खुलने वाले हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है एस ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आप ऑलरेडी बहुत गुस्से में आ चुके हैं. शायद जाने अनजाने में पर्सन कुछ ना कुछ रिवील करेगा आपसे या कुछ ना कुछ ऐसा बोल जाएगा जिससे आपको हिंट मिल जाएगा कि एक्चुअली उनके दिमाग में क्या चल रहा है और वो क्या सोच रहे हैं. सो यहां स्वॉर्ड आपके हाथ में है और डेविल के साथ आप इस स्वॉर्ड से सबक सिखाते हुए नजर आ रहे हैं. अगर आप केयरफुली देखें यहां स्वॉर्ड एंड यहां पे एक पर्सन यहां स्वॉर्ड लेके डेविल को सबक सिखा रहा है, तो मुझे लगता है कि कुछ हीटेड आर्ग्यूमेंट्स होने वाली है, कुछ बहस हो सकती है. एंड वो बहस करना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आपके लिए जानना जरूरी है कि एक्चुअली में हो क्या रहा है. और वैसे भी सैजिटेरियस, यू आर फायर, आप फायर है तो जब गुस्सा आएगा तो इस पर्सन को डील करना पड़ेगा. ओके ये कार्ड प्रिंस का यहां पर अपने आप गिर गया है. आई थिंक प्रिंस के कार्ड के साथ शायद इस पर्सन को समझ में आ जाएगा कि आप कौन हैं. आप उन लोगों में से नहीं हैं जो इजीली किसी पे भी ट्रस्ट करें, इजीली किसी के भी साथ रिलेशनशिप में आ जाएं, या जिसको इजी लिया जा सके. आई मीन जिसको सीरियसली ना लिया जाए और फिर भी वो इस रिलेशनशिप में स्टे करे. आपकी ऐसी कोई वीकनेस नहीं है, आपके अपने प्रिंसिपल्स हैं, आपकी अपनी डिग्निटी है जिसको आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे किसी भी कीमत पर. और इस पर्सन को वो चीजें समझ में आएंगी. शायद इनको कुछ कहना काफी महंगा पड़ने वाला है, ऐसा लगता है एटलीस्ट यहां पर. चलिए देखते हैं आपके लिए और एक मैसेज क्या है सैजिटेरियस. Ever unfolding rose, cracked open. It's happening for you and not to you. So ये जो कुछ भी हो रहा है ये आपके साथ नहीं हो रहा है, आपके लिए हो रहा है. ओके ये पर्सन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे ये जो कर ले. सो ये आपके साथ कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है ये आपके लिए हो रहा है. शायद इससे आप कोई लेसन सीखने वाले हैं सैजिटेरियस. आप ये समझेंगे कि किसी भी एकदम से ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है, या फिर हर कोई वैसा नहीं है जैसा आप सोचते हैं.
आपके लिए शायद ये सोचना मुश्किल होगा कि कोई ऐसा भी सोच सकता है या किसी का पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा भी हो सकता है, बट देन ये इसलिए हो रहा है कि आप अपनी सोच को बदले, चीजें चेंज हो और आपको फील होगा कि एक नए लेवल पे आप जा रहे हैं और एक विजडम अनफोल्ड हुआ है, यानी आप पहले से ज्यादा वाइज हो चुके हैं। तो ये थी रीडिंग मई के 4th वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।